दोस्तों बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आया है। पिछली बार के कंपेयर में इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। इस बार सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो कैसे क्या तैयारी करना है जिससे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री बीएड का जो फॉर्म निकाला जाता है, इसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक रहता है नॉर्मल बीएड, दूसरा शिक्षा शास्त्री, जो संस्कृत से संबंधित जिसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है उसके लिए रहता है शिक्षा शास्त्री। तो यहाँ पर दोनों संयुक्त ही फॉर्म निकाला जाता है। फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना पड़ता है शिक्षा शास्त्री या फिर नॉर्मल बीएड। तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पर देखिएगा तो जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नज़दीक आई, वैसे वैसे आवेदन करने की रफ्तार में तेज़ी भी आई। तो शुरू में यहाँ पर फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 25 अप्रैल से, शुरू में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, लग रहा था कि पिछली बार से कम ही फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन लास्ट एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है और पिछली बार के कंपेयर में इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, और तो 17 मई को इस न्यूज़ को अपडेट किया गया हिंदुस्तान की ओर से। और अगर आप बिहार बीएड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, सभी विषय की तैयारी करवाएंगे। खास करके आप लोगों को रीजनिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से है और मैथ एवं रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 25 का 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें आप लोगों को रीजनिंग, इसके बाद मैथ हो गया, जीके, साइंस, सभी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, टीचिंग लर्निंग का भी, जिससे आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज का फी देखिएगा तो मात्र 25,000 में बीएड हो जाता है। दूसरा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का 90,000 फी है। और तीसरा यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फी है, 1.5 लाख आपको फी देना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की नंबर ऑफ कॉलेज जो है कम है। तो इसमें अगर नहीं होता है तो अर्ध सरकारी में कम से कम आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो 90,000 में ही आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा और बिहार में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल फॉर्म भरने वाले, तो एप्लीकेशन से अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, और आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप लॉगिन कीजिए। फिर इसके बाद कोर्स का बैनर दिखेगा, वहां से आप स्टोर टैब पर क्लिक करके कोर्स परचेज कर सकते। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम रखे हैं जिससे सभी स्टूडेंट आसानी से कोर्स खरीद पाए। तो यहां पर देखिएगा जैसे जैसे तिथि करीब आई, आवेदन की रफ्तार की तेज़ी भी आई और आवेदन करने वाले की कुल संख्या मंगलवार की शाम 4 बजे तक 1,85,000 से अधिक हो गई है। तो यहाँ पर टोटल देखिएगा तो ये रात का 11 बजे तक का डेटा दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या है कि 3 दिन और टाइम है, 3 दिन अभी लेट फाइन के साथ है। 500 रुपये अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए तो 500 रुपये फाइन देकर भी आवेदन कर सकते हैं। अभी जो डेट रखा गया था 18 तारीख से लेकर के 25 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक रखा गया था नॉर्मल फॉर्म भरने का डेट, जिसमें 1,000 रुपये फॉर्म का फी था। इसके बाद 18 मई से लेकर के 21 मई तक लेट फाइन 500 रुपये दे करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म में करेक्शन का भी डेट का शेड्यूल दिया गया है, तो अगर आप फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक कर दिया है तो ज़रूर सुधार कर लीजिएगा 21 तारीख के बाद। और 9 जून के एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, इसके बाद 23 जून को परीक्षा ली जाएगी। पिछली बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ था, तो पिछली बार मात्र यहाँ पर अभी टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 1,85,535 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं और शिक्षा शास्त्री के लिए 838। इसके बाद देखिएगा पिछली बार का, तो पिछली बार का यहां पर बताया गया, पिछली बार 1,36,772 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, पिछली बार से यहां पर 60,000 अधिक फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी 1,85,000 है और अभी यहाँ पर 3 दिन और यहाँ पर टाइम दिया गया, तो लगभग 10,000 इसमें और फॉर्म अधिक फिलअप होगा। तो इस तरह से देखिएगा तो मिनिमम यहाँ पर 1,90,000 तक जाएगा। तो पिछली बार से 60,000 अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है, और आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आगे आप लोगों को सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा परीक्षा जो है 23 जून को ली जाएगी और इसके लिए टोटल बिहार में 11 जिलों में सेंटर बनाया गया है। तो अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्या इसका सिलेबस और तैयारी कैसे क्या करना है। कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपको स्टोर टैब पर क्लिक करना है और बिहार बीएड का बैनर भी आप लोगों को दिखेगा, तो बैनर पर क्लिक करके या फिर स्टोर टैब पर नीचे में क्लिक करके वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बिहार बीएड का बैनर दिखेगा, इस तरह से बैनर दिखेगा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, और यहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। और यहां पर देखिएगा कोर्स का कंटेंट, ये पहले से
यहाँ पर अपलोडेड है। और यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग का बहुत सारा वीडियो मिलेगा, इसके बाद हिंदी और टीचिंग लर्निंग, इसके बाद बहुत सारा नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका आसानी सिलेक्शन हो जाए, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बेहतर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में देखिएगा तो सिलेबस यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का। एग्जाम ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से 1 ऑप्शन सही रहेगा। किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर आप इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो बाकी का जो सब्जेक्ट है ये आपका छूट जाएगा। और इसमें से आप ये टारगेट रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो 5 से 7 क्वेश्चन बन जाए 15 में से, बस ये नहीं कि 15 में से 15 बनाना है। इसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हिंदी का आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। समान हिंदी के लिए आप लुसेंट का समान हिंदी बुक ले सकते हैं, इस बुक से अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो 15 का 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें हार्ड रीजनिंग पूछा जाता है, खास करके सैलोलिज्म और स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये हार्ड क्वेश्चन रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप रीजनिंग की तैयारी अच्छी नहीं है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप लोगों को रीजनिंग पूरी तैयारी करवाएंगे और आप 25 में से 25 आसानी से बना लीजिएगा। जीके का देखिएगा तो 40 क्वेश्चन है और इस जीके में करेंट अफेयर से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, बाल विकास से संबंधित हो गया, और इसके लिए आप लूसेंट का बाल विकास का बुक आता है स्पेशल, ये ले सकते हैं। क्वालिफाई मार्क्स देखिएगा तो इतना पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये 35% पास का कंडीशन है। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 35% यानी 120 में से 42 अंक आपको लाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 36 अंक मिनिमम कंडीशन है, निगेटिव मार्किंग का कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो इसके लिए आपको 120 में से 90 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, और 90 क्वेश्चन के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी हो पाएगा। और यहाँ पर देखिएगा टॉपिक वाइज सिलेबस देखिएगा कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये 2020 का बीएड का प्रोस्पेक्टस का है। अभी जो 2022-21 में जारी किया गया तो उसमें डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ था, बस एग्जाम पैटर्न दिया हुआ था, इसी को फॉलो किया जाता है। तो इंग्लिश में हो गया एंटोनम्स एनोनम्स पर, एंटोनम्स सैनोनम्स यानी हो गया यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द, और इसके बाद पर्यायवाची शब्द, आइडियम फ्रेज हो गया, स्पेलिंग एरर, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। और संस्कृत के लिए तो ये केवल शिक्षा शास्त्री के लिए है। इसके बाद समान हिंदी का, तो हिंदी में यहाँ पर जो पूछा जाएगा, जो भी यहाँ पर टॉपिक है यही टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, रस छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गधांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, और यहाँ पर जो भी टॉपिक है इसी टॉपिक से मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी का अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो 15 में से 15 आप आसानी से बना लीजिएगा। चौथा यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक है, तो रीजनिंग में आप देखिएगा तो सैलोलिज्म है, और जो भी यहाँ पर टॉपिक है सभी सैलोलिज्म से रिलेटेड ही है, स्टेटमेंट एंड कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है सब दिया हुआ है यहाँ पर। और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे दिया हुआ रहेगा कि एक टेबल पर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया जो भी टॉपिक से, उन सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे जिससे आप रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से बना पाए। इसके बाद जीके का देखिएगा तो जीके में सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड, सोशल इशू, जनरल साइंस भी आ गया, 5-ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को जरूर देख कर जाइएगा, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, और वर्तमान में कौन क्या है ये सभी पूछा जाता है। इसके बाद टीचिंग लर्निंग का देखिएगा, टीचिंग लर्निंग का यहाँ पर लगभग सभी टॉपिक दे दिया गया है और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के लिए टीचिंग लर्निंग के लिए आप लूसेंट का बाल विकास का बुक ले सकते हैं और इससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, तो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 25 आप बना लीजिएगा आसानी से। बाकी प्रीवियस ईयर को भी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, चैनल पर वीडियो पहले से उपलब्ध है, उसमें आप लोगों को डिस्कशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। प्रीवियस ईयर से होगा क्या कि आपको आइडिया आ जाएगा कि टीचिंग लर्निंग वाले क्वेश्चन को कैसे क्या बनाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि टीचर का क्या छात्रों के साथ व्यवहार होना चाहिए, कैसे क्या पढ़ाना है, इस तरह के से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप डिटेल सिलेबस देख लिए
और यहाँ पर आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार बीएड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, आपके पास अभी सीमित एक महीने का समय बचा हुआ है। 25 परीक्षा जो ली जाएगी 23 जून 2022 को, और एक महीने का समय बचा हुआ। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप एग्जाम अच्छे तरीके से तैयारी करके नहीं देते हैं तो इससे होगा क्या कि मार्क्स खराब आएगा, और खराब के कंडीशन में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा तो फिर आपको फी अधिक देना पड़ेगा। आप यही टारगेट रखिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो कम से कम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, और जिससे आपका 90,000 में बीएड कंप्लीट हो जाए। और आप देखिएगा बिहार में बहुत ज़्यादा टीचर की भर्ती भी की जाती है, तो इसलिए आप अगर बीएड अभी कर लीजिएगा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद सीटेट आपको एग्जाम पास करना है, और कम से कम आपका जॉब सिक्योर रहेगा। कुछ अगर नहीं होता है तो कम से कम आपका टीचर में हो ही जाएगा, और पहले सब टीचर का बेहतर हो गया है, सैलरी भी पहले से बेहतर है, सब कुछ है। तो आप बेहतर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद लॉगिन कीजिएगा, कोर्स का बैनर दिखेगा बिहार बीएड का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया कि बिहार बीएड की बेहतर तैयारी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है। बुक के बारे में आप लोगों को बता ही दिए, और सिलेबस डिटेल्स में आप देख लिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल इस बार कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है।